हेलो गाइस, सोशल मीडिया तुम तो वर्ष वापस से तुमको एक और ब्रांड न्यू माइनक्राफ्ट वीडियो लेकर। तो जैसे कि आप लोग को याद होगा, पिछली वीडियो में मैंने बनाया था एक बहुत ही बढ़िया सा एल्टन एक्सपी फार्म। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया सा ब्लेज एक्सपी फार्म, क्योंकि देखो एक बहुत ही बड़ा सा रीजन है ब्लेज फार्म बनाने के लिए। तो आप जैसे की देख सकते होंगे मॉब ड्रॉप में जो है ब्लेज रॉड सेल हो रही है, तो सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट प्राइस इसी का है, 320 रुपीज में पूरी की पूरी एक जैक ब्लेज रॉड सेल हो रही है। तो हमें भी बहुत ही बढ़िया सा ब्लेज फार्म बनाना पड़ेगा जिससे हम बहुत ही ज्यादा पैसे वगैरह कमा सके, क्योंकि ऑलमोस्ट सबसे गरीब सर्वर में मैं ही हूँ, क्योंकि अब तक मैंने बहुत ज्यादा पैसे वगैरह नहीं कमाया। अब मेरे को यह करना है, सबसे पहले तो बहुत सारा सामान वगैरह कलेक्ट करना है। आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा, हमें बहुत सारा सामान चाहिए, जैसे कि 9 स्टैक हमें ग्लास चाहिए, हमें 2 स्टैक बिल्डिंग स्टोन चाहिए, हमें हॉपर चाहिए, हमें चेस्ट चाहिए और काफी सारा लावा वगैरह चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ना लोकेशन भी चूज करके कि मैं कहाँ पर बनाऊंगा। मैंने उधर अपना ना होम सेट कर रखा है, तो इधर जैसे मैं जाऊंगा इधर ये स्पॉन ऑन चालू हो जाते हैं। एक तो मैं वैलेंस में चल जाऊँ, क्योंकि एक तो ये मार मार के तंग कर देंगे। अब मैं वैलेंस में चला गया, अब ये मेरे को देख नहीं सकते। तो मैंने ये बंद एरिया ऐसे सोचा ताकि बनाने के लिए आसानी हो जाए, ज्यादा कोई मॉब वगैरह डिस्टर्ब वगैरह ना करे। अब मेरे को क्या करना है, देखो सबसे पहले तो मेरे को बहुत सारा सामान कलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्या सामान कलेक्ट करना है। अब मेरे को जैसे सामान कलेक्ट करना चालू कर देना, सबसे पहले तो मेरे को बहुत सारा ग्लास वगैरह कलेक्ट करना है, उसके लिए मैं अपने होम पे चल रहा हूँ। और एक चीज मैं आपको बताना भूलिया कि मैंने और मेरी टीम ने ना अपना लोकेशन चेंज कर लिया है, जहाँ पर हम यहाँ पर रहते थे, अब हमने यहाँ से अपना शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि जब तक ये इवेंट खत्म नहीं होता तब तक मेरे को मना कर रखा है कि लोकेशन नहीं बतानी अपने बेस की और जितने भी बिल्ड वगैरह के आइडिया है, नहीं तो लोग उसको कॉपी करके बना लेते हैं। तो अब जल्दी से मेरे को काफी सारे ग्लास कलेक्ट करना है, तो जल्दी से मैं बिना टाइम वेस्ट करे ग्लास कलेक्ट कर लेता हूँ काफी सारा। मेरे ख्याल से मेरे दूसरे वाले बेस पे बहुत सारा ग्लास पड़ा हुआ है, तो मैं जल्दी से लेके आ जाता हूँ। तो भाई जितना भी मेरे को ग्लास वगैरह कलेक्ट करना था, मैंने उससे काफी ज्यादा ही कर लिया है। तो अब इसको मैं अपने खाली सर्कल में डाल देता हूँ। लगभग मैंने 13 से 14 स्टैक कलेक्ट कर लिया, उससे ज्यादा ही कर लिया है। अब मेरे को क्या करना है, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह कलेक्ट करने हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए तो मैं खुद भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता वो। तो इधर स्टोन ब्रिक्स वगैरह दिख रहे हैं मेरे को, यही ले लेता हूँ। मेरे ख्याल से इतने बहुत है, इतने चाहिए हमें। अब मेरे को क्या करना है, हमें कुछ वाइल्स वगैरह कलेक्ट करनी है। तो वाइल्स के लिए मेरे को पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है कि हमारे बेस के आसपास कहाँ पर वाइल्स वगैरह मिलती है। मैं जरा आसपास एक्सप्लोर वगैरह कर लेता हूँ, कहीं पता आसपास मिल जाए। जल्दी से मेरे को लगभग 16 वाइन्स के आसपास चाहिए, तो मैं जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ, इधर उधर ढूंढ के, क्या पता स्वाम्प वगैरह मिल जाए मेरे को। तो भाई मैं काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, मेरे को स्वाम्प तो मिली नहीं, लेकिन मेरे को शायद से इतना लगता है कि मेरे को ना ज्यादा जरूरत नहीं है वाइन्स वगैरह की, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब वो ब्लेजेस के नीचे आएंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली बिना वाइन्स के भी शायद से नीचे आ सकते हैं। तो एक बार मैं बिना वाइन्स के भी ट्राई करके देख लेता हूँ। अब मेरे को यहाँ कलेक्ट करना है, मेरे को 5 स्लैब्स भी कलेक्ट करनी है ताकि मैं उधर लगा सकूँ। ये मैंने स्लैब भी बना ली, अब मेरे को इसको सेल कर डाल देना। अब मेरे को 2 ट्रैप डोर चाहिए, 4 4 मेरे को हॉपर चाहिए और 2 4 चेस्ट चाहिए। जल्दी से इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ, मैं सीधा आपको सारा सामान कलेक्ट करके मिलता हूँ। तो भाई लगभग जितना सारा सामान कलेक्ट करना था मेरे को, मैंने कर लिया। मेरे को क्या करना है, जल्दी से मैं अपने ब्लेस ओनर के पास चलता हूँ और जल्दी से अब फॉर्म बनाना चालू कर देता हूँ। देखो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इधर का ना इधर से मेरे को 6 ब्लॉक नीचे डिक करना है, तो जल्दी से मैं 6 से 7 ब्लॉक नीचे डिक कर लेता हूँ। यार मैंने टॉर्च लो लगा दी, लेकिन ये ब्लेजेस अभी भी स्पॉन कैसे हो रहा है, अजीब बात है। मेरे ख्याल से मेरे को थोड़ी बहुत और टॉर्च लगानी पड़ेगी, मैं इधर उधर और टॉर्च लगा देता हूँ ताकि ये स्पॉन वगैरह बिल्कुल भी ना हो। मैंने 7 ब्लॉक तो नीचे आ गया, मेरे को करना है 13 बाय 13 का पूरा ये जितना भी एरिया है ना, ये मेरे को खाली कर देना है। तो जल्दी से मेरे को पूरा का पूरा गिन के खाली कर देना, सबसे पहले मार्किंग वगैरह कर लेता हूँ। और ये तो स्पॉन कैसे हो रहा है, मैंने टॉर्चेस तो लगा दिया हर जगह। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को स्पॉनर से मार्क करना शुरू करना है कि 13 बाय 13 कहाँ तक पड़ता है और कितना दूर पड़ता है। अब मेरे को करना है इधर से इनको एक काम करूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जितना भी आसपास का जितना भी एरिया है ना, मैं सारा ही खाली कर देता हूँ। बाकी बिल वगैरह तो वो तो मैं कर ही दूंगा, जितना भी आसपास का एरिया सब खाली कर देता हूँ, क्योंकि बिल वगैरह तो हमें करना ही है। अब जल्दी से मैं जितना भी एरिया है ना इसके आसपास का सब खाली करके आपसे मिलता हूँ।
A few moments later. तो भाई आसपास का जितना भी एरिया था मैंने सारा का सारा क्लियर कर लिया। मेरे को करना है, मेरे को नीचे की साइड पे जहाँ पर कलेक्शन सिस्टम बनेगा ना, उधर की साइड पे मेरे को पूरा का पूरा ग्लास लगाना है। मैं इसके लिए दिखा देता हूँ आपको। देखो जैसे स्पॉनर है तो मेरे को स्पॉनर के करेक्ट नीचे एक ग्लास से पूरा का पूरा स्क्वायर बनाना है। देखो एक सेकेंड, देखो ऐसे करके यू, देखो ऐसे, ताकि जितने भी ब्लेजर वगैरह है ना वो स्पॉनर के यहाँ पर नीचे आ जाए, और जितनी भी जगह है ना इधर मैं सारा का सारा लावा लगा दूँ। तो मेरे को यह करना है पूरा पूरा ना, जितनी भी साइड है मेरे को तीन तीन ब्लॉक साइड साइड जाना है। देखो जैसे कि तीन ब्लॉक इधर, तीन ब्लॉक इधर, मेरे ख्याल से मेरे को ये साइड भी तोड़नी पड़ेगी, तीन साइड इधर, तीन साइड इधर। तो अब मेरे को पूरा का पूरा जितनी भी ये दीवारें वगैरह आ रही है मेरे को इनको भी दोबारा से हटाना पड़ेगा। अब मैं दोबारा से इनको क्लियर करके मिलता हूँ। और मैंने सारे के सारे एरिया क्लियर कर दिया जितना भी बीच में आ रहा था। तो सबसे पहले तो मैं इनको मार दूँ, तो इन्होंने इतना परेशान कर रखा है मेरे को। देखो और इतनी सारा तो ग्लेज कलेक्ट हो गया मेरे पे इनको मार मार के। तो मेरे को यह करना है, जितना भी मैंने ग्लास इधर एक्सटेंड किया था मेरे को इनको हर जगह पे कनेक्ट कर देना है। और मैं जल्दी से इनको पूरी जगह पे कनेक्ट कर देता हूँ। और अगर आपको भी इस सर्वर को ज्वाइन करना है, और तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसके डिस्कॉर्ड सर्वर की, उधर से आप इसका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। और उधर आपको इसकी आईपी भी मिल जाएगी, और उधर बहुत सारे इवेंट वगैरह होते रहते हैं और अपडेट वगैरह भी आते रहते हैं, तो ज्वाइन कर लेना। अब मेरे को करना है, मैंने पूरा पूरा इधर ग्लासेस वगैरह लगा दिया। अब मेरे को करना है इसके हेल्प पे जो मैं स्टोन ब्रिक्स वगैरह लेके आया था मेरे को वो लगाना है। तो जल्दी से मैं लगाना शुरू कर देता हूँ। बस इसके मैंने चारों साइड पे स्टोन ब्रिक्स वगैरह लगा दिया। मेरे को करना है इसको, मेरे को जितना भी ऊपर जा रहा है ना मेरे को इधर तक लेके जाना है। बस मैंने इसके जितने भी एजेस वगैरह थे उन सबको कनेक्ट कर दिया है इस तरीके से। अब मेरे को यह करना है इस पूरे एरिया में जितना जितना भी ये बीच का एरिया होता है मेरे को इसमें पूरे में ग्लासेस वगैरह लगा देना है। वैसे तो मैं स्टोन वगैरह भी लगा सकता है जितने भी टेम्परेरी ब्लॉक वगैरह होते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आगे चल के अगर मेरे को जितना भी नेदर रैक वगैरह वो हटाना पड़ेगा तो फिर मेरे को ऐसे ट्रांसपेरेंट दिखता रहेगा, तो फिर ये ज़्यादा आसानी सी हो जाएगी। तो अब मैं जल्दी से इसके चारों साइड पे ग्लासेस वगैरह लगा देता हूँ, फिर मेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना, पहले सिलेक्शन सिस्टम बनाना है। अब जल्दी से मैं आपको सारा का सारा ये ग्लास लगा के मिलता हूँ। और हाँ, इसके बाद मेरे को ना इस जगह पे लावा वगैरह भी लगाना है, क्योंकि लावा के सारे ये कलेक्शन सिस्टम में आएंगे और मैं इनको मार पाऊंगा। और जितना भी एक्टिव वगैरह होगा वो भी मेरे को साथ साथ मिलता रहेगा, तो एक्टिव वगैरह की भी कमी नहीं होगी। और मैं इस सर्वर में ना प्लेयर वाप भी सेट कर सकता हूँ, ताकि प्लेयर इस जगह पे आ सके खुद से। और वैसे मैं आने तो नहीं दूंगा, क्योंकि नेदर में क्लेम्स वगैरह अलाउड नहीं है। वो उसका रीजन मेरे को पता नहीं, लेकिन अलाउड तो नहीं है। अब बस ये लास्ट साइड बची है, इसको लगा के अब मेरे को बस लावा वगैरह लगाना है, और मेरे को बस जितना भी कलेक्शन सिस्टम है वो सेट करना है। और ये मॉब्स वगैरह ने इतना परेशान कर रखा है ना मेरे को, पूरा बनाने ही नहीं दे रहे बिल्ड वगैरह। बस अब मैंने सारी साइड पे ग्लासेस वगैरह लगा दिया। मेरे को करना है इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ डिप करना है, और मेरे को थोड़ा बहुत कलेक्शन सिस्टम वगैरह बना देना है। अब इधर से मेरे को इस साइड के लिए रास्ता बनाना है, क्योंकि इधर से मैं इस साइड पे मैं अपना होम सेट वगैरह करूंगा, तो फिर मेरे को आसानी से पड़ जाएगी और इसी साइड पे मैं आ सकता हूँ। अब जल्दी से मेरे को इस साइड पे अपना कलेक्शन सिस्टम बना देना है। तो मेरे को इधर की तरफ पे थोड़ा सा डिग वगैरह करना पड़ेगा, और मैं जल्दी से डिग वगैरह कर देता हूँ इधर। मैंने इधर पूरा का पूरा ये रूम टाइप बना दिया। मेरे को यह करना है इधर थोड़े बहुत ग्लासेस वगैरह लगा देने हैं बहुत ऐसे, और मेरे को इसको एक स्टेप और नीचे लेके जाना पड़ेगा। देखो इधर से मेरे को एक ग्राउंड और लेवल नीचे करना पड़ेगा, ताकि थोड़ा बहुत और वो नीचे आ सके और ऊपर की तरफ ना जा पाए। बस अब मेरे को करना है इधर की साइड पे भी ग्लासेस वगैरह लगा देने हैं। अब मेरे को यह करना है इधर की साइड पे मेरे को चेस्ट वगैरह लगा देनी है। बस इसको इधर प्लेस कर देता हूँ। अब मेरे को इधर की तरफ दो चेस्ट प्लेस करनी है ऐसे, और एक सेकेंड मैं एक चेस्ट बना के ले आया करती थी, मेरे को हॉपर बनाए थे इन चार चेस्ट के। मैं जल्दी से इनका हॉपर बना के लेके आ जाता हूँ। बस मैं जितना भी हॉपर वगैरह लेके आता ले आया हूँ। अब मेरे को यह करना है एक सेकेंड, मैंने चेस्ट गलत जगह प्लेस कर दी है, मेरे को चेस्ट को इधर प्लेस करना है। अब मेरे को यह करना है इस साइड पे हॉपर वगैरह लगा देना है। अब मेरे को इनके ऊपर स्लैब वगैरह भी लगा देना है। बस अब मेरे को चारों तरफ पे ना ट्रैप डोर वगैरह लगा देना है। एक सेकेंड मेरे पे ट्रैप डोर की कमी पड़ गई, एक सेकेंड मैं बना लेता हूँ। और बस ये लास्ट ट्रैप डोर, एक सेकेंड ये लास्ट ट्रैप डोर भी लग गया। अब मेरे को यह करना है जितना भी ये लावा वगैरह है ना ऊपर वो डाल देना है। एक सेकेंड, तो फिर तो मेरे को फिर ऊपर जाना पड़ेगा, मैं ऊपर ही घुस जाऊँ।
इधर से चल जाते, कोई बात नहीं। इधर ग्लास प्लेस कर देता हूँ, एक मिनट अभी नहीं करता मैं, बाद में कर देता हूँ। एक तो सबसे पहले मेरे को उनको मारना पड़ेगा, तो इतना तंग कर देते हैं ना। बस अब मेरे को यह करना है क्यों करना, मेरे को एक मिनट टॉर्च वगैरह भी हटाया था, इसका कुछ काम तो है नहीं, फिर भी स्पॉन हो जा रहा है। बस अब मेरे को इसके ऊपर ये लगा देना था, अब मेरे को यह करना है, और मेरे को साइड साइड पे ना इनके लावा प्लेस कर देना। मैं जल्दी से ना लावा बकेट वगैरह लेके आ जाता हूँ, उसको इधर प्लेस कर देता हूँ। बस और ये दूसरा और ये लास्ट चौथा, और मेरे को अभी एक चीज रह गई, ये ऊपर की साइड पे ना मेरे को इधर इधर की साइड पे मेरे को ग्लास वगैरह लगाने थे, जल्दी से मैं इसको भी लगा देता हूँ। बस अब और शायद से मेरा पूरा पूरा काम कंप्लीट हो गया। मेरे को ये देखना पड़ेगा मैं नीचे का सर रहूँ, एक सेकेंड, मैंने इधर रास्ता बनाया था इधर से जाने के लिए, क्योंकि मेरे को इधर की साइड पे अपना होम सेट करना पड़ेगा। वही मैंने पूरा पूरा इधर स्टेयर के स्टेप बना दिया, मैं इधर कर सकता हूँ, इधर ना अपना होम सेट कर सकता हूँ। बस अब मैंने अपना इधर होम भी सेट कर लिया, मेरे को करना है बस, अब मेरे को कुछ नहीं करना है क्योंकि अपना पूरा फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, होप तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बाय बाय।